हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की रेसिपी है आलू गोभी। अभी आलू गोभी तो मतलब बनती है सबके घर में, पर जब फ्राइड बनती है ना, फ्राई आलू गोभी बनती है जो शादी में खाई जाती है फ्राइड, तो उसका तो स्वाद ही कुछ अलग होता है। पर आज हम वही सेम टेस्ट वाली आलू गोभी बनाएंगे घर में और बिना फ्राई किए हुए, और ना हम यूज़ कर रहे हैं इसमें प्याज, टमाटर और लहसुन, कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे। और आपको ऐसा लग रहा होगा पता नहीं कितने मसाले डाले हुए हैं, पर नहीं, मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया इसमें, सिर्फ सूखे मसाले और अदरक के साथ इतनी मज़ेदार बनाई है, और सिर्फ 2 चम्मच तेल यूज़ किया है। तो आप भी ये वाली सीक्रेट रेसिपी देखिए और आप ही अपने घर में बनाएं। चलिए बनाते हैं। कढ़ाई हमारी ऑलरेडी गर्म हो चुकी है, तो अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून के करीब मैंने ऑयल लिया है। ये सारे जब हम मसाला भूनते हैं ना, सारे प्रोसीजर के लिए आपको जो गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। और अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून के करीब हींग, 1 टीस्पून जीरा और 1 टेबलस्पून मैंने लिया है जो सूखा ये धनिया होता है, मोटे वाला जो मार्केट से मिलता है ना। तो ये मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये मैंने पाउडर नहीं बनाया इसका, तो मैंने हल्का सा थोड़ा मोटा दरदरा सा रखा है, तो 1 टेबलस्पून मैंने ये भी ऐड कर दिया है। और अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बारीक कटा हुआ अदरक। अगर आप पेस्ट डालना चाहते हैं अदरक का, तो अदरक का पेस्ट डाल सकते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऐसे आपको स्टर करते जाना है 1 मिनट तक, जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। और देखिए इसका कलर अभी ब्राउन सा हो गया है, काला नहीं करना, ये तो पूरा जल जाएगा वो। अभी मैंने इसमें ऐड कर दिया 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इस मसाले को ऑयल के साथ। और अभी हमारा ये सूखा मसाला रेडी है। तो अभी मैंने लिए है यहाँ पे 300 ग्राम के करीब मैंने गोभी ली है, और साथ में मैंने लिया है 1 बड़ा आलू लिया है। इसको मैंने मतलब ऐसे रफली कट कर लिया है, किसी भी शेप में आप इसको कट कर सकते हैं। और अभी हमें करना क्या है, अभी हमें करना है 5 मिनट तक इसको ऐसे ही गैस का फ्लेम आपका मीडियम टू हाई रखे, इसको ऐसे ही स्टर करते जाना है। और अभी इस पॉइंट पे मैं ऐड कर रही हूँ, मैंने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर लिया है ताकि गोभी भी जब हम इसको कवर करें तो अच्छे से गल जाए। इसको भी मैंने पानी के साथ मिक्स कर लिया अच्छे से। तो अभी मैं गैस जो है लो कर रही हूँ और गैस जो कढ़ाई को कवर कर रही हूँ ताकि 5 से 7 मिनट तक इसको पकने दें। अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। देखिए जब आप देखते हैं ना गोभी की शक्ल, अभी पता लग रहा है ये पूरी तरह से गली नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, हमें चेक करना 5 मिनट के बाद ज़रूरी है, नहीं तो ये नीचे लग जाएगी। तो अगर ये लगता है आपको कि थोड़ा सा ऑयल कम है या अभी नीचे लगना स्टार्ट हो जाएगी, तो इसी पॉइंट पे आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा पानी और ऐड करना है। मतलब जब भी आपको लगे कि गोभी नीचे लग रही है या गली नहीं है, इसमें मॉइस्चर नहीं है, तो आप उस पर पानी ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, तो ऊपर से ऑयल बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। तो अभी मैंने 5 मिनट और उसको पका दिया है। तो जैसे कि पूरे टोटल 10 से 12 मिनट लगे हैं इस गोभी को, वो भी आलू गोभी को बनने के लिए, तो हमारी आलू गोभी रेडी हो गई है, बहुत अच्छे से गल गई है। इसको फाइनल से जो हमारे फाइनल इंग्रेडिएंट्स रह गए हैं वो बता देती हूँ मैं आपको, वो भी डाल देते हैं। देखिए कितनी क्रिस्पी सी लग रही है ना, जैसे वो भरता नहीं बना गोभी का, मतलब गोभी गोभी बनी। तो अभी मैंने 2 मिर्चें डाल दी, हरी मिर्ची, और 1 टीस्पून गरम मसाला, और 1/2 टीस्पून के करीब मैंने रोस्टेड जीरा लिया है। ये मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगा, नहीं तो जीरा आप घर में भी रोस्ट करके उसको जो है पाउडर बना सकते हैं। और उसके ऊपर मैंने डाल दिया है धनिया। अभी हम इसको कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। अच्छा सच सच बताना, ये लग रही है ना फ्राइड गोभी, है ना? और मसाले, ऐसा लग रहा है कि बहुत मसाले डाले हुए इस गोभी, आलू गोभी के अंदर। और हमारी मज़ेदार चटपटी सी आलू गोभी रेडी है। तो आप भी अपने घर में ऐसे ही बनाइए और बताना ज़रूर आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।